Hello, good morning, India. Friday back to back classes live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें wifistudy चैनल को और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. तो कैसे हो आप सभी? तो दीपावली की छुट्टी काफ़ी बन चुकी है अपनी, 3-4 दिन की छुट्टी हो चुकी है. तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करेंगे. परेशान मत होना, आराम से एग्जाम से पहले पहले पूरा सिलेबस करवाएंगे और लास्ट में इतने सारे क्वेश्चन करेंगे 500-1000 मिक्स. इधर भी हर चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे, आप परेशान मत होना. ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट करें मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ. आज का जो टॉपिक होगा अपना वो होगा हीट एंड टेम्परेचर. ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा जने आप कनेक्ट हो जाइए, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं. हाँ, और बहुत से अच्छे बोल रहे थे क्लास क्यों नहीं हुई सैटरडे संडे को. ये वाली क्लासेस दोस्तों आपके मंडे टू फ्राइडे चलती है. ठीक है, कभी कभी क्योंकि सैटरडे संडे को मेरी गेट और आईएएस वाली क्लासेस होती है, इसलिए मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है. अगर आपको कहीं लगेगा कि ना सिलेबस थोड़ा सा वो, तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे सैटरडे संडे में. ठीक है, वरना मंडे टू फ्राइडे है. तो हेडिंग डाल लीजिए हीट एंड टेम्परेचर, सेशन स्टार्ट करते हैं. हीट एंड टेम्परेचर, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको बोलेंगे ऊष्मा एवं तापमान. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हीट और टेम्परेचर क्या होता है, क्या दोनों एक ही चीज है, क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कैसे है सब चीजें समझते हैं. तो दोस्तों जो हीट और टेम्परेचर है, तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं हीट एक बारे में, एक तरफ हम लोग हीट के बारे में बात करते रहेंगे यानी ऊष्मा के बारे में बात करते रहेंगे, और एक तरफ यानी टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे. ठीक है, ये जो बेसिक चीज है आप भी जानते हो सभी चीज टेम्परेचर, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं तापमान. ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है. हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है. जो ऊष्मा क्या है, एक तरह की ऊर्जा है. जैसे ऊर्जा कितनी तरह की होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है. सिमिलरली एक ऊष्मा भी क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है. मैंने क्या बोला, जो हीट होती है एक काइंड की, एक तरह की क्या है, एनर्जी है. जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, सिमिलरली एक हीट भी एनर्जी होती है. तो ऊष्मा क्या है, एक टाइप की एनर्जी है. तो पहला पॉइंट में लिखता हूं, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है. थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखूंगा इसको, क्योंकि जस्ट बेसिक चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं. जो अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें थोड़ा सा हम आराम से करेंगे, है ना फ्रेंड्स. तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकता हूं, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. क्लियर फ्रेंड्स, अगर बात करें यह ऊर्जा है तो इसकी यूनिट की बात करूं मैं, यूनिट किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हीट की, ऊष्मा की यूनिट बात कर रहा हूं. तो ऊष्मा की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, जूल होती है. जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या होती है, जो एसआई मात्रक होता है इसका क्या होता है, जूल होता है. बात करूं सीजीएस यूनिट की, यदि इसकी सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक लिखे तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कैलोरी होता है. ठीक है, यह चीज मैंने आपको बताया भी था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि कैलोरी जब हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ेंगे तो कैलोरी क्या होता है, कैलोरी. ठीक है फ्रेंड्स, अब कैलोरी में और जूल में क्या रिलेशन होता है आप बता सकते हैं. तो एक कैलोरी में दोस्तों कितना होता है, इधर लिख देता हूं, एक कैलोरी में अप्रोक्सीमेट दोस्तों 4.18 जूल, या फिर आप बोल सकते हो 4.2 जूल. ठीक है, अप्रोक्सीमेट, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी. चीजें रिपीट कर देता हूं, हीट के बारे में दोस्तों हम लोगों ने क्या बात करी, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक टाइप की क्या है दोस्तों, एनर्जी है. जैसे हीट, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, सिमिलरली दोस्तों ये भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है. अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी एसआई यूनिट होती है दोस्तों जूल. हीट की बात कर रहा हूं, हीट की इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है कैलोरी होती है. ठीक है, और कैलोरी में और जूल में क्या रिलेशन होता है फ्रेंड्स, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं. वैसे तो एग्जैक्ट 4.18 होते हैं, बट इसको 4.2 जूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं. क्लियर फ्रेंड्स, इतनी सी बात सिंपल.
थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। हीट में क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्त, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पर चलते हैं इसके, थोड़ा सा अंदर डेप्थ में घुसते हैं, तो वही हेडिंग आप कंटिन्यू रखना, हीट और एक तरफ टेम्परेचर। अब बात तो होती है दोस्तों कि हीट क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, ये तो समझ के, बट कौन सी ऊर्जा है ये चीज समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल कोई एक लिक्विड है, कोई क्या एक लिक्विड है, कुछ भी मान लीजिए, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना दोस्तों, इसके जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडम मूव करते हैं, रैंडम के यानी कोई ऑर्डर नहीं होता, बिल्कुल कहीं भी कोई कहां मूव कर रहा है, कोई कहां गति कर रहा है, कोई कहां गति कर रहा है, और गति कर रहा है तो इनके पास वेग होगा या नहीं होगा, अगर ये गति कर रहा है तो इनके पास वेलोसिटी होगी नहीं होगी, तो इनके पास वेलोसिटी होगी तो कहीं ना कहीं इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कहीं ना कहीं इनके पास दोस्तों गतिज ऊर्जा भी होगी। तो जो सारे मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, ठीक है, जो परमाणु है, सारे अणु की जो कुल गतिज ऊर्जा है ना, वही दोस्तों क्या है, हीट है, वही क्या है, हीट है। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट मैंने इधर लिख देता हूं पॉइंट, जो कुल परमाणु और अणुओं की जो कुल गतिज ऊर्जा है ना, कुल गतिज ऊर्जा, उसी को वैसे हीट बोलते हैं, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, हिंदी में लिख देता हूं कुल गतिज ऊर्जा किसकी, परमाणु की और अणुओं की। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्लियर, क्योंकि देखो कोई भी मेटल होगा उसमें पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो क्या रैंडमली मूव करते रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, इधर उधर भागते रहते हैं, कोई भी उनका ऑर्डर नहीं होता, कहीं भी कोई भी भाग रहा है, तो अगर वो भाग रहे हैं दोस्तों, तो हर एक पार्टिकल के पास एक अपनी वेलोसिटी होगी, हर एक पार्टिकल के पास अपना एक वेग होगा और एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो कुल गतिज ऊर्जा को दोस्तों क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर पर भी बात आएंगे जब तक बात कर लेते हैं हीट की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पानी क्या होता है, हाई हाइट से मतलब ऊपर से नीचे आता है, पानी क्या होता है दोस्तों, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जा सकता है क्या, नीचे से ऊपर जा सकता है क्या, जा सकता है, लेकिन आप एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। नेचुरल प्रोसेस क्या है, पानी ऊपर की हाइट से नीचे आता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सिमिलरली अगर करंट की बात करें, विद्युत धारा की बात करें, तो वो कैसे आती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आती है, ठीक है, जो ज्यादा विभव है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आती है दोस्तों। तो सिमिलरली जो हीट का फ्लो होता है, हीट भी कैसे बहती है, ऊष्मा भी कैसे बहती है, जो हीट का फ्लो होता है कैसे होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान से लो तापमान। जैसे आप जानते होंगे, एक सिंपल सी चीज एग्जांपल दें, यदि एक आपके पास चाय का कप है, ठीक है, इसमें आपके पास हॉट चाय रखी हुई है, जो गर्म चाय रखी हुई है, और उसका टेम्परेचर कुछ मान लीजिए, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री सेंटीग्रेड आप मान लीजिए, ठीक है, और आप बाहर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बाहर का तापमान है आपका, तो आप कुछ देर जब चाय रखते हैं तो आप देखेंगे कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में दोस्तों क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, हीट का क्या होगा, फ्लो होगा, ऊष्मा का क्या होगा दोस्तों, प्रवाह होगा, इसलिए जो इसमें ऊष्मा की कमी हो जाएगी, और उसका टेम्परेचर थोड़ी देर बाद देखोगे तो बराबर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से दो चीज इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, कि जो हीट का फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, कोई नई बात नहीं है, और दोस्तों कब तक फ्लो होगा, फ्लो कब तक होगा, ऊष्मा का प्रवाह कब तक होगा, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, जब तक कि दोनों के तापमान में अंतर है। अरे मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, अगर दोनों के तापमान में अंतर नहीं हुआ, यानी दोनों का तापमान समान है, तो कोई हीट फ्लो हो सकता है क्या, कोई हीट फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हीट क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही क्या होता है दोस्तों, हीट फ्लो होती है। हीट के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, पहले आ जाते हैं टेम्परेचर पे, ठीक है। हीट हम लोग बात कर चुके हैं, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। बात करते हैं सर टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है। तो तापमान क्या होता है, ये कोई ऊर्जा नहीं है, तापमान क्या होता है, एक पदार्थ की अवस्था बताता है, एक पदार्थ की अवस्था बताता है, इट टेल्स द स्टेट ऑफ अ मैटर, एक मैटर की स्टेट बताता है। स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल दोस्त, मैं भी बोलूं आपकी कि अभी आप कहां पर हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं इस शहर में हूं, इस राज्य में हूं, तो आप अपनी स्टेट बता रहे हो, मैं यहां पर हूं। सिमिलरली पदार्थ की स्टेट हम लोग कैसे बता सकते हैं कि भाई तेरा प्रेशर कितना है, तेरा वॉल्यूम कितना है, तेरा टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं एक पदार्थ की स्टेट बता रहा है, एक अवस्था बता रहा है, समझ पा रहे हैं। जैसे आप लोग मुझे बोलोगे आप कहां पर हो, मैं बोलूंगा मैं जयपुर में हूं, राजस्थान शहर में है, तो अपनी स्टेट बताऊंगा ना, अपनी लोकेशन बताता है। सिमिलरली जो पदार्थ की स्टेट होती है वो कैसे मेजर होती है, वो होती है उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों। तो टेम्परेचर क्या बताता है, जो तापमान होता है, ये क्या बताता है, यह पदार्थ की अवस्था बताता है, यह
पदार्थ की अवस्था बताता है। ठीक है दोस्त, दूसरी चीज क्या है जो टेम्परेचर, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये क्या करता है, ये गर्म ठंडे का मापन कर सकता है। यही एक टेम्परेचर नाम की चीज ऐसी है जो गर्म ठंडा हम लोगों को बताती है। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस कौन बताएगा दोस्तों, टेम्परेचर बताएगा। हम लोग बोलेंगे ना ये चीज गर्म है, ये चीज गर्म है, किसी चीज को बोलते हैं ठंडी है। तो ये चीज कैसे बता पाते हैं, उसके टेम्परेचर के कारण, उसके तापमान के कारण। यदि उसका तापमान ज्यादा है, यदि उसका तापमान ज्यादा तो हम बोल देंगे ये गर्म है, अगर उसका तापमान कम है तो बोल देंगे ठंडी है। तो ये क्या होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बताइए। आर्यन जी बोल रहे हैं अगर अलग अलग तापमान दे दे और मिला दे तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा मिक्सर का, ये क्वेश्चन जरूर करवाना। अरे सभी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक भी तरह का नहीं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो ये क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में अब बताने की जरूरत नहीं है, अब ये लिखता हूँ गर्म और ठंडे का एहसास करवाता है ना, कुछ इसी तरह का आएगा, तो इतना तो हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर बात हो गई दोस्तों, बात हो गई हीट की, बात हो गई टेम्परेचर की। टेम्परेचर में मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के अलग अलग स्केल होती है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, फेरेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है, रूमियर भी होता है। ठीक है, तो उनके में रिलेशन क्या निकाला था हम लोगों ने, सी अपॉन फाइव इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू रूमियर अपॉन 4। दोस्तों ये चीज हम लोगों ने बताई थी, इस पर बाद में क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट मैंने लिख दिया, आपको रिमाइंड करवा दिया, वैसे आपको मैंने पहले भी बताया था। क्लियर, तो इसको आप लिख लीजिए। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हीट की तरफ। ठीक है दोस्तों, हीट को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, चलते हैं हीट की तरफ। तो बात करते हैं दोस्त, जो हीट होती है उसकी यूनिट कौन कौन सी होती है। यूनिट ऑफ हीट हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा के मात्रक, यूनिट ऑफ हीट। ठीक है दोस्त, तो एक तो होता है कैलोरी, जैसा कि अभी मैंने बताया कैलोरी, स्पेलिंग क्या है दोस्तों इसकी, सी ए एल ओ आर आई ई। एक होता है सी एच यू, सी एच यू बोले तो सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। एक होता है बी एच यू, बी टी एच यू, इसको बोलते हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्लियर, ये क्या होता है दोस्तों, कैलोरी होता है, एक सी एच यू होता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। सी एच यू को क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, एक होती है कैलोरी, एक होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। दोस्तों बात करते हैं क्या होता है, और थोड़ी देर बाद में आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। देखो आप जानते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सी सिंपल सी चीज है, कोई एक चीज रखी है, कोई एक चीज रखी हो, कुछ भी मान लो, पानी रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, कुछ भी आप एक चीज मान लीजिए, इसका टेम्परेचर कुछ भी मान लीजिए दोस्तों 30 डिग्री सेंटीग्रेड अभी इसका टेम्परेचर दे रखा है, इसका जो भी तापमान है कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, यदि आपको इस पानी का तापमान बढ़ाना है, यदि आप जैसे हम लोग जब सर्दी में कुछ कुकर में किसी में भी पानी गर्म करते हैं, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर पहले नॉर्मल होगा, फिर उसका तापमान बढ़ जाता है ना। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं, हम गैस जलाते हैं, क्या दे रहे हैं, हीट ही तो दे रहे हैं। तो सिमिलरली पानी का तापमान बढ़ाने के लिए हमको इसको हीट देना पड़ेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। क्लियर, तो मैंने ऐसे बोला कि यदि एक ग्राम पानी है, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, यदि एक ग्राम पानी है, पानी कितना दे रखा है दोस्तों, आपको एक ग्राम पानी दे रखा है, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर आपको दे रखा है। ठीक है, इस एक ग्राम पानी का टेम्परेचर, इस एक ग्राम पानी का तापमान यदि आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, इस एक ग्राम पानी का तापमान, एक ग्राम पानी का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, बढ़ाना है, तो उसमें आपको कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी दोस्तों, कुछ ना कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसी ऊष्मा को दोस्तों क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी, उसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो आवश्यक ऊष्मा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 कैलोरी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई थिंक इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी, बताइए क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताइए।
एफ बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट की मात्रा को एक बीटी स्तर में भी बोलते हैं। हाँ तो बीटीएच पे भी आएंगे, पहले यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। गैस जलती कैसे है? अरे गैस लाइटर से जलती है, और कैसे जलती है? ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं एक ग्राम पानी का तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने तो आवश्यक ऊष्मा कितनी होती है? एक किलोरी। यदि एक ग्राम, सेम चीज है, कुछ भी नया नहीं है, यदि एक पौंड ले आप पानी, पानी किस में ले दोस्तों? एक पौंड पानी ले, एक पौंड पानी, सेम चीज, एक पौंड पानी का तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो जो आपको कुछ ना कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, और उसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं? CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। एक पौंड पानी, अब पानी कौन सा लिया दोस्तों? एक पौंड पानी लिया है, और उसका तापमान यदि आपको एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जो उसमें ऊष्मा लगेगी उसको क्या बोलते हैं? CHU। और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इसमें आएगी 453.6 कैलोरी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेम चीज मैंने लिख दिया, एक पौंड पानी का तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। बात करते हैं एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है दोस्तों। यदि एक पौंड पानी का तापमान आप एक डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाना चाहते हैं, एक डिग्री फ़ारेनहाइट से, इधर लिख देता हूं, एक पौंड पानी का तापमान एक डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 252 कैलोरी। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 252 कैलोरी। क्लियर? तो ये चीज आप, आई थिंक आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। बताइए, इंग्लिश में दोनों बाइलैंग्वेज चल रहा है, परेशान मत होइए। देख लीजिए एक बार, आपको दिखा रहा हूं साफ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हीट की बात कर चुके हैं, हम लोग ऊष्मा की बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, क्या होता है? क्या केवल और केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हीट फ्लो होती है? तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। जो हीट होती है, उष्मा होती है, दो तरह की उष्मा होती है। एक होती है फ्रेंड्स सेंसिबल हीट, एक क्या होती है? सेंसिबल हीट। और एक होती है फ्रेंड्स लेटेंट हीट। एक क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। ठीक है, पर इसका हिंदी मेरे को पता नहीं, और ना इसका हिंदी मेरे को लगता नहीं कहीं मिलेगी। मैंने ट्राई भी करा था सेंसिबल हीट क्या होता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो दो तरह की ऊष्मा होती है, एक होती है सेंसिबल हीट, एक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? गुप्त ऊष्मा। और सेंसिबल हीट का, सेंसिबल को देखो मैं मतलब तो समझा दूंगा, अब इसका हिंदी का वर्ड मेरे को मिला भी नहीं बुक में, वरना मैं बताता, अगर आपको तो बता दीजिए, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, होगा क्या, अब इन दोनों में डिफरेंस है ना, एक एग्जांपल से समझेंगे, रटने से कुछ नहीं होगा। देखो सिंपल सी चीज है, फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, एक डब्बा है, कुछ भी मान लीजिए, इसमें आपके पास रखिए बर्फ के टुकड़े, आपके पास इसमें क्या रखा है? बर्फ के टुकड़े, बर्फ रखिए। ठीक है, और इसका जो दोस्तों जो टेम्परेचर है, जो इसका तापमान है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास क्या रखिए? बर्फ रखिए, आइस रखिए। क्या रखिए दोस्तों? बर्फ रखिए। ये तो बर्फ तो जानते होंगे, आइस तो आप जानते होंगे। आपने क्या करा नीचे दोस्तों? बर्नर लगा के या फिर इसमें कुछ भी करके आपने इसको हीट देना स्टार्ट करा, आपने इसको हीट देना स्टार्ट करा। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे ही आप हीट दोगे, जो आइस है, जो बर्फ है, किस में होगी? पानी में कन्वर्ट होगी, नहीं होगी? पानी में कन्वर्ट होगी, नहीं होगी? तो जब इसको पानी में हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो ये कंटेनर था ये सीधे पानी में कन्वर्ट नहीं होता, सीधा पानी में परिवर्तित नहीं होता। ये किस में होता है? ये आइस में ही रहता है। ये किस में रहता है? बर्फ में रहता है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, प्यार से समझना, आपने हीट दी तो उसका टेम्परेचर बढ़ के, पहले -10 था तो उसका टेम्परेचर बढ़ के दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के सीधे पानी में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में, किसमें? बर्फ में। देखो यही कल चीज है ना, मैंने गेट वाले बैच में पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में, लेकिन वो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इधर देखो -10 डिग्री सेंटीग्रेड था तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसमें हीट देके तो इसका सीधा पानी में परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी बर्फ में ही है। तो दोस्तों आपने हीट दी,
आपने हीट दी, इसके टेम्परेचर में चेंज आया क्या? इसके टेम्परेचर में चेंज आया क्या मुझे बताओ? जी बिल्कुल आया, पहले -10 था, अब बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? 0°C। तो जो हीट, अगर किसी चीज को हम लोग हीट दे और उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस हीट को दोस्तों क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट। इस हीट को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंसिबल हीट। विशिष्ट ऊष्मा ये नहीं होता, वो स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है? सेंसिबल हीट विशिष्ट ऊष्मा नहीं होता, ध्यान से समझो। हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होइए, इसी में रह जाओगे वरना। कॉन्सेप्ट समझो, मतलब क्या उसका, कि आपने इसको हीट दिया और उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, तो दोस्तों इस तरह की ऊर्जा को, इस तरह की ऊष्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये आपकी हीट कौन सी होगी दोस्तों? सेंसिबल हीट। क्लियर, समझ में आ रहा है? बात करते हैं दोस्तों, यदि आपने और हीट दी, हीट आप कंटिन्यूअसली देते जा रहे हैं कंटेनर को, हीट आप कंटिन्यूअसली हीट देते जा रहे हैं कंटेनर को, तो इसके बाद में क्या होगा दोस्तों? इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में जो कंटेनर में जो बर्फ थी, जो कंटेनर में जो बर्फ थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स? पानी में हो जाएगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी। तो जो 0°C का जो बर्फ था, हीट तो अभी भी देते जा रहे हैं, जो 0°C की जो बर्फ थी, अब वो 0°C की किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? पानी में चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो आप तो हीट देते जा रहे हो, आप हीट देते जा रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा क्या, इसका तापमान बढ़ा क्या, तो आप बोलेंगे वो हीट गई कहां? वो हीट गई कहां? जो आपने ऊष्मा दी वो गई कहां? आप ऊष्मा कंटिन्यूसली देते जा रहे हो, पहले यहां से देना स्टार्ट करा था, तो इसकी मान लो ये कंटेनर इधर ही है, हम लोग इसकी अलग अलग पिक्चर बना रहे हैं, अलग अलग फोटो बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखा -10°C पे बर्फ के टुकड़े थे, आपने हीट देना स्टार्ट करा तो उसका टेम्परेचर बढ़ के 0°C हो गया, लेकिन अभी भी आईसी, अभी भी बर्फ ही है। आपने और हीट दी तो जो 0°C पे जो बर्फ थी वो 0°C के पानी में चेंज हो गया, ठीक है? लेकिन अब दोस्तों हम लोगों ने नोटिस करी कि हीट तो देते जा रहे हैं फिर भी टेम्परेचर बढ़ा नहीं, तो वो हीट गई कहां दोस्तों? वो हीट है ना फेस चेंज के काम हो गई, इसकी अवस्था परिवर्तन में चेंज हो गया, इसकी अवस्था परिवर्तन के काम में आ गई। कैसे अवस्था परिवर्तन? इधर इसकी जो स्टेट थी वो सॉलिड स्टेट थी, इधर जो इसकी फेस थी सॉलिड थी, ठोस थी, इधर से ठोस में किस में चला गया? द्रव में। तो इस अवस्था परिवर्तन के लिए, इस फेस चेंज के लिए जो हीट लगी दोस्तों, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, उसको बोलते हैं दोस्तों गुप्त। तो ये कौन सी होगी दोस्तों? लेटेंट हीट। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये कौन सी होती है दोस्तों? फेज चेंज के काम आती है, अवस्था परिवर्तन के काम आती है। क्लियर, आई थिंक इतनी सी चीज सिंपल। और आपने और हीट दिया दोस्तों, और हीट दिया, जो पानी था, पानी को आपने बना दिया दोस्तों 100°C का पानी, बट ये जो पानी था दोस्तों आपके पास, ये पानी था अब टेम्परेचर बढ़ के दोस्तों ये 100°C का वाटर, 100°C का वाटर हो गया, 100°C हो गया। जो पानी था 0°C था, आपने और गर्म करा, और गर्म करा, 100°C पे उबलने लग जाता ना, तो सीधे उबला नहीं, पहले पानी 0 से 100 पे आया, ठीक है? इसका टेम्परेचर बढ़ा है, इसका दोस्तों क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा है। तो इस वाली हीट को क्या बोलेंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ? आपने और हीट देता गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये वाली हीट लेटेंट हीट होगी, सेंसिबल हीट होगी। तो दोस्तों इस वाली हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। बताओ, क्लियर दोस्तों? सेंसिबल हीट दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती, वो स्पेसिफिक हीट होती है, मतलब समझो। अब इसका मतलब मत देखो सेंसिबल हीट, तो मतलब वरना मैं भी आगे चल जाता सीधा सीधा। तो दो तरह की ऊष्मा होती है, एक सेंसिबल हीट और एक लेटेंट हीट। क्लियर दोस्तों? अब आप क्या करोगे, इसको और गर्म करोगे, इसमें और हीट देते रहोगे, इसमें और हीट देते रहोगे, तो क्या होगा दोस्तों? जो 100°C का जो वाटर है वो किसमें चेंज हो जाएगा? 100°C, ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा और वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये किसमें? वेपर में चल जाएगा। तो इसका टेम्परेचर और इंक्रीज नहीं हुआ, इसका टेम्परेचर उतना ही है, बट जो 100°C की जो वाटर है वो किसमें चेंज हो जाएगी? वेपर में। वेपर यानी वाष्प, ये किसमें हो जाएगा? वाष्प में हो जाएगा। अब आप बोलोगे और हीट दी आपने, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो इसकी लेकिन क्या हो गया दोस्तों? फेस चेंज हो गया, इसकी अवस्था परिवर्तन हो गया। आप जानते हो कौन कौन सी होती है? एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, गैस होता है। इधर द्रव से दोस्तों गैस में आया, ये क्या? गैस ही तो है, द्रव से गैस में आया, फेस चेंज हुआ है, तो इसको बोल देंगे दोस्तों लेटेंट हीट। अब ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैंने आपको बता दिया ये कौन सी जाएगी, लेटेंट हीट। आई थिंक क्लियर, चले आगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो इतनी सिंपल सी चीज थी, ये चीज मैंने आपको बता दी, चलते हैं उसी तरह पे। क्लियर दोस्तों? तो दो तरह की हीट होती है, एक सेंसिबल हीट होती है, एक लेटेंट हीट होती है। सेंसिबल हीट जो टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आती है, ठीक है, और लेटेंट हीट जो फेस चेंज के काम में आती है। एक चीज दोस्तों मुझे बताइए, लेट सपोज कोई भी एक चीज है, वही एग्जाम्पल ले लो, पानी है, कुछ भी मान लीजिए पानी है, इसका टेम्परेचर दोस्तों 20°, इसका जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है, पानी है, लेट सपोज इसका जो टेम्परेचर है
मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको इसका तापमान बढ़ाना है, इसको आपका तापमान बढ़ा के दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड लाना है, ठीक है। तो इसमें आपको उष्मा देनी पड़ेगी और उस उष्मा का जो मान होगा दोस्तों कितना होगा, क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उष्मा को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किससे व्यक्त कर रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं, क्यू से। लेट सपोज इसका कुछ ना कुछ मास दे रखा है, इसका कुछ ना कुछ दोस्तों द्रव्यमान दे रखा है, प्यार से संबंधित सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, आई थिंक इतना क्लियर होगा। अरे कोर्स एग्जाम से पहले ही कंप्लीट होगा, बात तो समझो, ये चीजें मैं उड़ा दूं क्या ये बताओ आप, मतलब ऐसे बच्चों से बात करते हो कोर्स कब होगा, अरे एग्जाम से पहले होगा और कब होगा, एग्जाम के बाद में थोड़ी क्लासेस लगवाएंगे आपके लिए, अभी तो होगा। एक चीज आप चाह रहे हो मैं एक दो फॉर्मूले लिखवा के छोड़ दूं, चीजें हम पागल लेके जो मैं आपको समझाते हैं, सभी फैकल्टी अपनों आपको पूरा समझाती है, हम लोग पागल लेके ये बताओ, मतलब बार बार एक ही चीज सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा, देख लो कितना सारा कंप्लीट करवा चुके हैं, है ना। बात करते हैं दोस्तों सेंसिबल हीट क्या होती है, यदि इसका द्रव्यमान m दे रखा है, ध्यान से समझना, कुछ पानी है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान दे रखा होगा, भाई 1 किलो दे रखा होगा, 2 किलो दे रखा, कुछ तो दे रखा होगा, तो उसका द्रव्यमान दे रखा होगा। पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, पहले प्रारंभिक तापमान, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं TI से, यानी इनिशियल टेम्परेचर, इसका जो प्रारंभिक तापमान था दोस्तों 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, और इसको बढ़ा के दोस्तों आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, यानी इसका जो फाइनल टेम्परेचर है, जो फाइनल टेम्परेचर है दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, सिंपल सी बात है। तो आपको इसमें हीट देनी पड़ेगी और उस हीट का मान होता है दोस्तों Q इज इक्वल टू एम, यानी जिस भी चीज में आप हीट दे रहे हो उसका द्रव्यमान इंटू एस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। आराम से समझना, सारी चीजें समझा दूंगा। Q इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। आप बोलोगे एम क्या है दोस्तों, एम होता है द्रव्यमान, एम क्या होता है, मास होता है हिंदी में द्रव्यमान, क्लियर। डेल्टा टी क्या होता है, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या फिर चेंज इन टेम्परेचर। अब बात आती है सर ये एस क्या है दोस्तों, इसी एस के लिए तो मैंने ये चीज लिखी, ये एस होता है दोस्तों स्पेसिफिक हीट, यानी विशिष्ट उष्मा। क्या होता है ये चीज, यही इसी इक्वेशन से आपको समझ में आ जाएगी, बताता हूं। जब तक लिखिए, एस क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट विशिष्ट उष्मा, ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्लियर दोस्तों, क्लियर दोस्तों, सारी चीजें समझ में आ रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन ये एस क्या है ये चीजें समझ में नहीं आ रही। डेल्टा टी समझ में आ गया, टेम्परेचर में चेंज कोई नई बात नहीं है, मास हम लोग जानते हैं द्रव्यमान होता है, हीट भी हम लोग पता पड़ जाएंगे कि इतना टेम्परेचर अगर इसका इंक्रीज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। दोस्तों एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, सिंपल सी चीज बताओ, एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इधर पड़ा है कुछ भी, मान लो ये पड़ा है दूध, या कुछ भी बोल लीजिए आप, दूध दूध रखा है, मिल्क है इधर, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस जगह फ्रेंड्स आपके पास है पानी, इसके पास दोस्तों इधर क्या है, पानी है, इधर क्या है फ्रेंड्स, वाटर है, ठीक है। लेट सपोज दोनों के जो इनिशियल टेम्परेचर है, जो जो प्रारंभिक तापमान है दोस्तों दोनों के, मान लीजिए जो इनिशियल टेम्परेचर है, जो प्रारंभिक तापमान दोनों रखे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों किस पे रखे हैं दोस्तों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। बात समझना, हम लोगों को इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, हम लोगों को एक जगह पानी है एक जगह दूध है, हमको इसका तापमान बढ़ाना है, और तापमान बढ़ा के दोस्तों हमको करना है इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो फाइनल टेम्परेचर है, जो अंतिम तापमान हमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, इसका भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो आपको दोस्तों, और इसका जो द्रव्यमान है, दोनों का द्रव्यमान दोस्तों सेम दे रखा है, लेट सपोज इसका भी 1 किलोग्राम दे रखा है दोस्तों, इसका भी 1 किलोग्राम दे रखा है, प्यार से समझना, इसका इनिशियल टेम्परेचर इतना है, आपको अंतिम तापमान इतना करना है, तो आपको इसमें उष्मा देनी पड़ेगी दोस्तों, उष्मा देनी पड़ेगी। एक पहला सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं दोस्तों, क्या दोनों में उष्मा का मान सेम होगा, क्या दोनों में जो उष्मा का मान होगा सेम होगा, क्या दोनों में, इसके बारे में आपका क्या कहना है, प्रकाश डालिए, जैसे स्कूल में आता था ना, आप क्या कहना चाहते हो, प्रकाश डालिए। तो मैं भी आपकी एक दो लाइन पढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल जवाब आना चाहिए। मैंने पूछा दोस्तों, आप हीट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, टेम्परेचर बढ़ाना है तो एम एस डेल्टा टी, ठीक है दोस्तों, एम एस डेल्टा टी, इसका मतलब क्या है दोस्तों,
यदि आपका इनिशियल टेम्परेचर दोनों सेम है, वापस बताता हूँ आपको, इतना टेम्परेचर करना है, एक जगह पानी है एक जगह दूध है, दोनों का द्रव्यमान भी बराबर है। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भी कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसमें भी देनी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ दोनों में जो ऊष्मा देंगे उनका क्या मान बराबर होगा, अलग अलग होगा, बराबर होगा तो कैसे होगा, अलग अलग होगा तो कैसे होगा, प्लीज अपना एक दो लाइन में कमेंट करके बताइए, जब भी समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो नो यस तो जवाब दे, लेकिन साथ में अगर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कुछ भी कि भाई ये चीज है तो मैं मानूंगा। देखो दोस्तों, यहां देखो आप, डेल्टा टी बराबर है, यहां भी डेल्टा टी क्या है 10 में 20, यानी जो टेम्परेचर में डिफरेंस इधर भी 10 का है इधर भी 10 का, ये चीज बराबर है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है। दोस्तों बात करते हैं एस, हर मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट होती है, हर पदार्थ की स्पेसिफिक हीट दोस्तों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जिसमें जो ऊष्मा देंगे दोस्तों वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड किस में करेगी दोस्तों, स्पेसिफिक हीट पे, यानी विशिष्ट ऊष्मा पे। क्लियर दोस्तों, तो विशिष्ट ऊष्मा पे करेगी। तो इतनी सिंपल सी चीज थी, मैंने बता दिया। अब बहुत विशिष्ट ऊष्मा, विशेष ऊष्मा कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा। देखो एक सिंपल सी चीज मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो आपको पता है दोस्तों, लेट सपोज एमएस डेल्टी है, ठीक है, मैंने बोला कि तापमान बढ़ा के 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है, ठीक है, प्यार से समझना। आप जानते हो जो केल्विन होता है, केल्विन क्या होता है, सेंटीग्रेड प्लस 273 अप्रोक्सीमेट होता ही नहीं होता, ये चीज मैंने बताई नहीं बताई थी, यानी एक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा 274 केल्विन, चार में चाहिए तो चार इसमें रख दो, चार प्लस 273 277 केल्विन, अरे हाँ या ना दोस्त, मैंने क्या बोला, ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि 10 से 20 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ टेम्परेचर में दोस्तों, चेंज कितना हुआ, आप बोलोगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हो गया, पहले 10 था फिर 20 हुआ, 20 में से 10 करेंगे 10 हुआ। दोस्तों मैंने बोला कि केल्विन में कितना चेंज होगा, ये तो आपने सेंटीग्रेड में बता दिया, केल्विन में कितना चेंज होगा, केल्विन के अंदर बताओ कितना चेंज होगा, कमेंट करके बताओ, प्लीज कमेंट करके बताओ, बहुत बेसिक चीज है लेकिन एक बार यहां क्लियर कर लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं केल्विन में कितना चेंज होगा, जो तापमान में अंतर हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, मुझे भी दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पूछूं ये अंतर केल्विन में कैसे निकालोगे, ये अंतर यदि केल्विन में करना है तो कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। तो दोस्तों गलती से भी मत कर देना कि ये 10 है तो 10 में 273 जोड़ दिया और बना दिया आपने 283, गलती से भी मत कर देना, सेम रहेगा, सेम रहेगा। कारण क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका पहले आपको लग रहा है बच्चों वाली चीज है, लेकिन इतनी बच्चे गलती करेंगे 10 से दोस्तों 20 हुआ, ठीक है, आपने टेम्परेचर चेंज आपने सेंटीग्रेड में कितने लिया दोस्तों 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि मैं केल्विन में अंतर लेता तो कोई बात नहीं, इसको पहले केल्विन में बदल लो, इसको केल्विन में कैसे बदलेंगे दोस्तों, 273 प्लस 10 यानी जो पहले वाला टेम्परेचर था कितना था 283 केल्विन, जो फाइनल टेम्परेचर हुआ कितना हुआ 273 प्लस 20, इसको केल्विन में कितने लेंगे दोस्तों 293 केल्विन। अब अंतर देखो कितना आएगा, 293 माइनस 283 कितना आएगा 10 ही तो आएगा। तो चाहे अंतर डिफरेंस की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में अलग अलग होगा, लेकिन यदि अंतर की बात करो दोस्तों तो दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। अंतर क्या होगा, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में लो, इसको दूसरी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हो 273 प्लस 20, इसको क्या लिख सकते हो केल्विन में 273 प्लस 10, इसको क्या लिख सकते हो 273 प्लस 20, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये प्रारंभिक तापमान है, ये अंतिम तापमान है। अब दोनों में डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, तो 273 प्लस 20 माइनस 273 प्लस 10, तो 273 प्लस 20 माइनस 273 माइनस 10, ये 273 कटेगा नहीं क्या, वो 10 ही तो आएगा, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखनी है, आप क्या लो डिफरेंस है सेंटीग्रेड में लो केल्विन में लो, दोनों बराबर होंगे। आगे चलते हैं जल्दी से, है ना, थोड़ा सा कवर करते हैं आज। देखो दोस्त मैंने क्या बोला था, तो यहां से स्पेसिफिक हीट की बात करें तो हेडिंग डाल लीजिए स्पेसिफिक हीट, यानी विशिष्ट ऊष्मा। देखो आप सिलेबस की टेंशन मत लो, अगर सिलेबस होगा तो मैं खुद सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, है ना, लेकिन चीजें छोड़ेंगे नहीं अपन यार, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट किससे रिप्रेजेंट कर रहा दोस्तों, एस से रिप्रेजेंट कर रहा। क्या होता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों, हम लोग इसी से देखेंगे क्या होता है
एस को क्या मैं लिख सकता हूं, इस एस को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी, बताइए मैं लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बस इतनी सी चीज बताइए, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज है दोस्तों। तो यदि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, मैं लिखा यदि, मैंने क्या लिखा, यदि एम बराबर 1 kg, यदि मास 1 किलोग्राम हो, यदि द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और टेम्परेचर डिफरेंस यदि मान लो दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब मैं इसको 1 केल्विन में लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, अब आपको पता है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने थोड़ी सी डिस्कस कर ली। यदि मास 1 किलो दे रखा हो, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो क्या हो दोस्तों, यदि एम की वैल्यू आप 1 रखोगे, डेल्टा टी की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 गुना 1 1, और किसी भी चीज में 1 से डिवाइड करने पर वो वही संख्या रहती है। तो दोस्तों एस बराबर क्या आ गया दोस्तों, क्यू आ गया। तो हम लोगों ने डेफिनेशन बढ़ा दी, डेफिनेशन बना दी, डेफिनेशन क्या बनाई दोस्तों कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान, ध्यान से समझना, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, 1 किलोग्राम कोई द्रव्यमान है उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई चीज है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए दोस्तों जो आवश्यक ऊष्मा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एस बोल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोल रहे हैं। क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल। तो लिख दिया मैंने, इधर डेफिनेशन लिख देता हूं जल्दी से, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है दोस्त। अभी बार बार है ना ये एक ही डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। एच इज इक्वल टू होता है दोस्तों क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, इसकी यूनिट दोस्तों आप ही बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके मैं यूनिट की बात करूं, इसके यदि मैं इसका मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, क्यू का क्या होता है, जो हीट होती है इसकी क्या होती है, जूल होती है, जूल लिख लो, किलो जूल लिख लो, जूल लिख लो, ठीक है। द्रव्यमान मास की कितनी होती है, किलोग्राम, ऐसा ही पद्धति में बात करूं। और टेम्परेचर का कितनी होती है, टेम्परेचर चेंज की, देखो दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो या फिर डिग्री केल्विन लिख लो, बात बराबर है, ठीक है, बात बराबर है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, अभी तो देखो आपको बुक में डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब आप एक बीटेक लेवल पे अच्छी स्टडी करोगे थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल डिटेल में जाओगे तो दोस्तों केल्विन ही होता है, सेंटीग्रेड नहीं होता। कारण क्या है, अरे हम लोग एसआई यूनिट में जो टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, टेम्परेचर को किस में लेते हैं दोस्तों, केल्विन में लेते हैं। तो जो यूनिट होगी दोस्तों ये होगी, यदि कहीं जगह जो एनर्जी को किलो जूल में रखा है तो ये हो जाएगी किलो जूल पर केजी केल्विन। इतने क्वेश्चन करवा देंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर दोस्तों, आई थिंक इतनी सी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के। अब थोड़ी सी हीट की बात होगी, वापस टेम्परेचर पे आते हैं। तो टेम्परेचर का मापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान का मापन, क्लियर दोस्तों, तापमान का मापन, ढंग से समझो। देखो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर करते हैं ना ऑब्वियसली। जैसे हम जब कभी अगर फीवर हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो क्या होता है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, टेम्परेचर को यूज मेजर करने के काम में आता है इसका। लेकिन दोस्तों केवल थर्मोमीटर नहीं होता, अलग अलग तरह के थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर के अलावा भी एक दो चीज होती है, पायरोमीटर होता है। अब बोलेंगे पायरोमीटर क्या होता है, ये तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं दोस्तों। जो बड़े ज्यादा तापमान होता है ना, बहुत ज्यादा तापमान, जैसे भट्टी हो, जैसे किसी इंडस्ट्री में भट्टियां लगी होती है ना, अब उसका तापमान ऐसे थोड़ी आप वो लेके वो थर्मोमीटर लेके जाओगे कि लो बताओ तेरा तापमान कितना है, तो उसमें पायरोमीटर काम में लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो, पहले थोड़ा सा मैं बताता हूं फिर मैं लिखवा दूंगा। पहले तो होता है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है एल्कोहल थर्मोमीटर, अब एल्कोहल तो आप जानते ही होंगे ऊपर जाने का शॉर्टकट, तो एल्कोहल थर्मोमीटर होता है। एक मरकरी थर्मोमीटर होता है, मरकरी यानी हिंदी में बोलते हैं पारा थर्मोमीटर। अब आप बोलोगे एक होता है गैस थर्मोमीटर, इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो दोस्तों, देखो जो थर्मोमीटर होता है ना, आप देखना उसके अंदर एक लिक्विड रहता है,
ठीक है, उसके अंदर एक लिक्विड रहता है। यदि उसके अंदर एक तरल पदार्थ रहता है ना, एक तरल पदार्थ जो डॉक्टर यूज करता है, उसमें जनरली पारा रहता है, मरकरी रहता है, ठीक है। तो यदि उसमें मरकरी रहा तो उसको बोलते हैं मरकरी थर्मोमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं पारा थर्मोमीटर। दूसरी बात करें, यदि उसमें एल्कोहल रहे तो एल्कोहल, उसको बोलते हैं एल्कोहल थर्मोमीटर, ठीक है दोस्तों। यदि उसके अंदर कोई गैस रहे तो उसको बोलते हैं गैस थर्मोमीटर, क्लियर। बात करते हैं पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर क्या होता है, जैसे मैंने बताया भट्टियों का तापमान मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कौन कौन से तापमान, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट होती है कहां कहां यूज करी जाता है, उसके टेम्परेचर रेंज कहां होती है, क्लियर दोस्तों। तो ऐसे टेबल बना लीजिए ऐसे, एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज यानी किस रेंज तक, किस परास तक वो नाप सकता है, यानी तापमान परास, तापमान की, तापमान का परास दोस्तों। एक होता है, एक तरफ लिख लीजिए आप इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन सा मापक यंत्र आप यूज कर रहे हो, मापक यंत्र है, कौन सी मेजरिंग डिवाइस है दोस्तों। यदि आपको टेम्परेचर मेजर करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का मतलब ये नहीं हमेशा केवल और केवल नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी कर सकता है, लेकिन जो मेनली 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यूज किए जाते हैं, और ये होते हैं दोस्तों गैस थर्मोमीटर। ये कौन से होते हैं दोस्तों, गैस थर्मोमीटर। अब गैस थर्मोमीटर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है दोस्तों ये लिख देता हूं हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर। इसका मतलब क्या है, इस थर्मोमीटर में हाइड्रोजन गैस भरी होती है। एक होता है दोस्तों नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर, क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी अगर आप टेम्परेचर रेंज की बात करोगे दोस्तों, तो ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर कर सकता है, और ये -200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब माइनस वाले जो नेगेटिव वाले टेम्परेचर होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गैस वाले यूज करते हैं। बात करते हैं आगे, एक थर्मोमीटर होता है आपका एल्कोहल थर्मोमीटर, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया एल्कोहल होता है वो होता है, तो एल्कोहल की दोस्तों क्या होती है, -114 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है उसके लिए दोस्तों हम लोते हैं जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल थर्मोमीटर जिसकी दोस्तों जो रेंज होती है ना अपने की, वो कितनी होती है, -114 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। कारण क्या है दोस्तों, आप बोलोगे सर इससे नीचे का तापमान मेजर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीचे तापमान पे दोस्तों जो एल्कोहल होता है वो जम जाता है, ठीक है। जब हम लोग जैसे डॉक्टर के जाते हैं तो थर्मोमीटर डालते हैं ना, अब वो दोस्तों मूव ही नहीं करेगा, वो जम जाएगा, तो क्या मतलब, वो कुछ रीडिंग बता पाएगा कि अगर वो जम जाएगा, जो पारा होता है अंदर मरकरी, यदि वो जम गया तो कुछ बता सकता है कि दोस्तों, नहीं बता सकता, तो उसका मूवमेंट करना जरूरी है। तो एल्कोहल इस डिग्री जो ये रेंज है इसमें बिल्कुल सही है, क्लियर दोस्तों। और बताओ आगे, अब होता है आपके पास मरकरी, आपके पास और कौन सा होता है, मरकरी होता है। मरकरी की बात करो तो दोस्तों ये होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, कौन सा होता है इसको, मरकरी को हिंदी में अभी मैंने कहा था पारा थर्मोमीटर। सेम चीज दोस्तों कि यही रेंज क्यों है, क्योंकि दोस्तों अगर -39 से कम गए, -39 से और नीचे तापमान पे गए दोस्तों, ये पारा क्या होता है, जम जाता है तो कहीं दोस्तों मूव ही नहीं कर पाएगा, तो फिर रीडिंग कैसे बताएगा ये। सिमिलरली 357 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर का तापमान मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि 357 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसके ऊपर जाओगे तो उबलना स्टार्ट हो जाएगा, पता चले आप है ना ऐसे भट्टियों में जाके लगा दिया और उसको देख रहे देखा मरकरी गायब हो गया, मरकरी इवेपोरेट हो गया, मरकरी का क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया, तो इस पे क्या हो जाता है दोस्तों, ये उबलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में बात करूं दोस्तों, एक होता है पायरोमीटर, एक क्या होता है पायरोमीटर, इसकी जो रेंज होती है दोस्तों वो होती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना।
पायरोमीटर क्या होता है वैसे तो आपको जानने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा। तो देख लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गैस थर्मोमीटर, -184 से 75 एल्कोहल, -39 से 357 पारा थर्मोमीटर, 300 से 3000 मतलब ज़्यादा टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर। अब बात करेंगे पारा ही क्यों यूज़ लेते हैं ये वो, तो मैं कल बताऊंगा, आज के लिए इतना टाइम नहीं है, थोड़ा सा मैं पायरोमीटर बताता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है बताता हूँ। वैसे इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक आगे प्लेट लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों हीट आती है, इसमें हीट आती है, और इसमें क्या होता है जो कॉपर के वायर कनेक्ट होते हैं, कॉपर के वायर कनेक्ट होते हैं तो इससे फिर करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो के इसमें अमीटर में बताता है कितनी करंट फ्लो हुई और एक सीधे रीडिंग बताता है वो कि भाई इतना टेम्परेचर इतना। तो बस थोड़ा मैंने बता दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक ऐसे डिवाइस है दोस्तों, क्लियर। तो आई होप आपको आज की चीज़ें अच्छी लगी होगी, कल इसी से कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, सैटरडे संडे को भी मैं एक्सटेंड कर लूँगा, वैसे तो मेरे सैटरडे संडे को क्लास होती है लेकिन अगर कम पड़ा तो, क्योंकि सारी चीज़ें देनी है आपको, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, पायरोमीटर में कॉपर के वायर होते हैं दोस्तों, उसमें हीट पड़ेगी तो करंट जनरेट होगा, वो कॉपर वायर से होके अमीटर में डिफ्लेक्शन शो करके कुछ ऐसा होता है। तो आपको इतने जानने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया क्या होता है। क्लियर, बताइए कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए इसमें से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब देखो हर चीज़ का अपना टेम्परेचर आप याद नहीं रख सकते कि इसका कितना है, और ना ही कुछ ऐसा आता, बस आपको याद रहना चाहिए कि पारा, अब कल मैं बताऊंगा पारे की ऐसी क्या क्वालिटी है जो हम लोगों ने इसको यूज़ करा, ऐसी क्या बात है पारे में, तो वो चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा, इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन करवाएंगे इस चैप्टर के बारे में 100-150, तो आपको पता पड़ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्लियर दोस्तों, तो आई थिंक इतना क्लियर है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं 3 बजे फिजिक्स की क्लास में। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, उसका तापीय प्रभाव क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्या है। आपने इधर भी हीट पढ़ लिया तो थोड़ा अच्छा और लगेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं 3 बजे फिजिक्स की क्लास में और 4 बजे मैथ्स की क्लास में। बाय।